हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपने स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके इंग्लिश रीडर का लेसन 8 लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारा चल रहा था कंटिन्यू, आज मैं उसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। पेज नंबर हमारा है 47। सारे बच्चे अपनी जो बुक है वो ओपन कर लीजिए और ध्यान से, जैसे मैं लाइन वाइज आपको हिंदी करा रही हूँ तो उसकी वीडियो ध्यान से आप हिंदी सुनते जाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे अपनी जो बुक है वो ओपन कर लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और वो बिलोंग करते थे गरीब फैमिली से, फिर भी वो अपनी मेहनत के कारण वो भारत के इतने बड़े सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। तो हमारा जो लेसन है वो हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 47 है, ओपन कर लिया स्टूडेंट्स? तो लेट्स स्टार्ट आवर कंटिन्यू लेसन। सडनली वन पीजेंट राज्ड टुवर्ड्स हिम एंड सैड शास्त्री जी। जब इलाहाबाद में बाढ़ आ गई थी तो अचानक एक किसान उनके पास आया और कहा कि सैड शास्त्री जी, प्लीज डू कम टू आवर साइड एंड सी बाय योर सेल्फ हाउ मच वी हैव सफर्ड। उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि कृपया आप हमारे साथ चलिए और देखिए कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। शास्त्री जी वेंट विद हिम टू देयर हट। शास्त्री जी उसके साथ चल दिए और उनके झोपड़ियों में गए देखने के लिए। ही लिसन टू द टेल्स ऑफ बॉय एंड इमीजिएटली अरेंज फूड एंड कैरोसिन फॉर द पीपल। उन्होंने उनकी दास्ता को सुना, कि उनके शोक को सुना और उन्होंने तुरंत यह ऑर्डर दे दिया कि इनके लिए अरेंज खाने का अरेंजमेंट कर दिया और कैरोसिन का अरेंजमेंट कर दिया। व्हाइल लिविंग ही सेड डोंट गेट अपसेट, आई विल बी हेयर टुमारो अगेन। जब शास्त्री जी वहाँ से चलने लगे तो जो किसान थे वो लोग थे वो अपसेट हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें डोंट गेट अपसेट, आप लोगों को उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी हेयर टुमारो अगेन, मैं कल दोबारा तुम्हारे यहाँ पर वापस आऊँगा। द पुअर विलेजर्स वर वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड। और जो पुअर गरीब विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो उनसे मिलकर उनसे बहुत प्रभावित हुए और खुश हो गए कि भाई एक प्रधानमंत्री हमारे घरों में, हमारी झोपड़ियों में आया और उन्होंने हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट किया और हमसे प्रॉमिस भी करके गया है कि वो कल दोबारा उनके घर पर, उनके वहाँ पर आएगा। इससे सारे जो गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। द कैरियर ऑफ मैनी स्टेटमेंट इन हिस्ट्री हैव एंडेड इन द फेलियर ऑफ वन रीजन ऑफ द अदर। इतिहास में कई राज्यों के ऐसे आदमी होंगे, महान आदमी होंगे, जो दूसरों के कारण के लिए विफलता में समाप्त हो गए, जो दूसरों कारणों से असफल हो गए। इट वॉज नॉट सो विद शास्त्री जी, बट शास्त्री जी ऐसे नहीं थे, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। वो असफल भी हो गए फिर भी वो अपने मतलब मेहनत करते रहे सफलता पाने के लिए। हिज लाइफ ड्रामा एंडेड इन ए ब्लेजी ऑफ ए ग्लोरी। शास्त्री जी का जो जीवन था वो नाटक ग्लोरी के धमाके के साथ समाप्त हो गया। ही वॉज ए रिमार्केबल मैन इन ए मैनी वेज। वह एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे, रिमार्केबल मीन्स उल्लेखनीय, वह एक अच्छे व्यक्ति थे। ही इंस्पायर्ड सर्वल मैन टू फॉलो द राइट पाथ। इंस्पायर्ड होता है बेटा प्रेरित करना, इंस्पायर्ड प्रेरित
प्रेरित करना, किसी चीज को किसी से कोई व्यक्ति प्रेरित होता है किसी के काम से, ही इंस्पायर्ड सर्वर मैन टू फॉलो द राइट पाथ इन लाइफ एंड दे नेवर डिसअपॉइंटेड हिम। उन्होंने जीवन में सही राह पर चलने के लिए कई लोगों को प्रेरित किया, उन्होंने लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया एंड दे नेवर डिसअपॉइंटेड हिम, और उन्हें कभी निराश नहीं किया, और उन्हें कभी भी निराश नहीं किया, उन्हें प्रेरित करते गए कि तुम हाँ ये काम अच्छे से कर सकते हो। डिसअपॉइंटेड है निराश करना। निराश करना, कभी भी उन्होंने लोगों को निराश नहीं किया। He was an example of truthfulness and good human behavior. वो अपने बिहेवियर के लिए और अपनी सच्चाई के लिए एक अच्छे उदाहरण थे। वो हमेशा सच बोलते थे और उनका जो बिहेवियर था वो बड़ा ही अच्छा था। इस सच्चाई और मानवीय व्यवहार के लिए वो एक अच्छे उदाहरण थे, अच्छे मतलब ह्यूमन बीइंग थे। बिहेवियर व्यवहार व्यवहार जो उनका व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा था और सच्चाई के राह पर चलते थे। इट कैन बी राइटली सेड फॉर हिम दैट ही हैड वॉक्ड विद किंग्स, ही हैड नॉट लॉस्ट द कॉमन टच। इट कैन बी राइटली सेड फॉर हिम, किसी ने सही ही कहा है उनके बारे में सही ही कहा जाता है कि यद्यपि थो ही हैड वॉक द किंग, यद्यपि वह राजाओं के साथ चले, ही हैड नॉट लॉस्ट द कॉमन टच, लेकिन उसने आम स्पर्श नहीं छोड़ा, नहीं खोया, लेकिन उसने कॉमन टच जो आम लोगों का जो टच था, स्पर्श था, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यद्यपि वह राजाओं के साथ चले फिर भी वो एक आम आदमी के टच में रहे और एक आम इंसानी रहे। उन्होंने कभी भी मानवता, इंसानियत नहीं छोड़ी। उन्होंने लोगों की सेवा की और उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स हैव कम्प्लीट द लेसन, हमारा जो ये लेसन था लाल बहादुर शास्त्री वो कम्प्लीट हो चुका है। आई होप आपको इसकी हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनके बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि वो कितने मेहनती और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क है, आपको यह लेसन 2 और 3 टाइम्स रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।